राम राम जी, आप सबका स्वागत है हमारे 90 देसी रसोई में। ये हमारी किचन बगिया है, यहाँ से हम लेंगे फ्रेश तोरी। यहाँ पे हमने घिया, तोरी और अन्य सब्जी भी उगा रखे हैं। तो ये देखिए हमारी तोरी की बेल है और यहाँ से हम लेंगे तोरी। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी और बिल्कुल फ्रेश, जितनी भी ज़रूरत होगी उतनी हम तोड़ लेंगे और फिर इनको धोकर हम काट लेंगे। तो ये देखिए हमने तोरी काट ली है और दो टमाटर काटे हैं, दो हरी मिर्च है। अब कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें एक बड़ी चम्मच घी डाल देंगे या फिर तेल जो भी यूज़ करते हों। घी को मेल्ट होने देंगे और फिर थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, जीरा हल्का सा भुनने देंगे। अब टमाटर, हरी मिर्च और कटी हुई तोरी डाल देंगे। अब थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और एक बड़ी चम्मच भर के धनिया पाउडर डाल देंगे और थोड़ी सी काली मिर्च, स्वाद अनुसार नमक। अब इन सब को बिना मिक्स करे ढक देंगे ताकि टमाटर और तोरी पानी छोड़ दें। तो ये 3 से 4 मिनट तक हम ऐसे ही ढके रहने देंगे। ये देखिए 4 मिनट हो गई और अब तोरी ने पानी छोड़ दिया है। ये देखिए अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस प्रकार से बनी हुई सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब ढक कर तोरी पका लेंगे। ये देखिए लगभग तोरी पक चुकी हैं। अब इनको थोड़ा सा मैश कर लेंगे। अब एक ढक्कन भर के कस्तूरी मेथी डाल देंगे। और एक चम्मच घी डाल देंगे, इससे सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। इन सब को मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट और पकाएंगे। तो ये देखिए हमारी टेस्टी सब्जी बनके तैयार है, कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई है। ये देखिए खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगी है। अगर इस प्रकार से तोरी की सब्ज़ी बनाएंगे तो बड़े ही नहीं बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं सब्ज़ी को। रोटी के साथ, पराठों के साथ या फिर पूरी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।